seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time गाइज वेलकम बैक माई चैनल महा खान ब्लॉग एंड वेलकम बैक माई अन अदर ब्लॉग असलम वालेकुम एवरी आई होप आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे आप सब ठीक होंगे मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शाम के सात बज रहे हैं और मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ बनाना और मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं गई थी अल जदीद मुझे कुछ स्नैक और कुछ सामान अपने लिए लेना था ग्रॉसरी का सामान तो वो मैं लेकर आई हूँ और आपके साथ मैं उससे शेयर कर रही हूँ ये मैं स्नैक लाई थी लेस लाई थी सरंटी लाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जूसेस थे तो गाइज जिस दिन अगर कहीं जाना होना तो फिर व्लाग नहीं बनाया जाता ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो जाती है खैर मैंने हिम्मत करी है आने के बाद और मैं अभी व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ अभी इसी वक्त से तो मैं आपके आपको दिखा रही थी ये जो मैं जूसेस लेकर आई थी मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और जूस के साथ आप कोल्ड ड्रिंक ना लें तो ऐसा लगता है कि अधूरा सा है कुछ जबकि कोल्ड ड्रिंक घर में इतनी ज़्यादा कोई पीना पसंद भी नहीं करता लेकिन मुझे पता नहीं किस बात का कोल्ड ड्रिंक का एक ऑप्सेस हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी मुझे बचपन से कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है जबकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ लेकिन कहीं जाएँ और आप जूस ले रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक ना लें तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है मैं हमेशा कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करती हूँ मुझे नहीं समझ में आता जबकि मुझे पीनी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है आजकल तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है पहले मैं इम्तियाज जाती थी तो छः छः सात सात बोतलें उठा के लेकर आ जाती थी कैन उठा के लाती थी पर घर वाले मना करते हैं जाहिर सी बात है जब आपने पीनी नहीं है तो वो कोई और नहीं पीता वो रह पड़ी रहती है तो फिर उसको एक वक्त आता है कि वो ज़ाया हो जाती है तो ये मैं लेकर आई थी सवैयाँ कलरफुल सी सवैयाँ और ये हर जगह से नहीं मिलती और मुझे वहाँ नज़र आई तो मैंने फ़ौरन इसे बाय कर लिया और ये मैं लेकर आई थी मैदा और ये एक किलो का पैकेट है मैदे का और बहुत कन्वीन रहता है और साफ सुथरा आपको पैकिंग में मिलता है सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप एक ही मन में ख़त्म करें ये स्टॉक पड़ा रहता है तो वो दूसरे महीने भी काम आ जाता है ये मैं चटपटे मैगी लेकर आई थी मैगी का पैकेट और ये मैंने दो पैकेट लिए थे और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुए हुए हैं इम्तियाज में भी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए थे तो मुझे ये यहाँ नज़र आए तो मैंने ले ली है मैं लेकर आई थी नेशनल कैचअप गार्लिक चिली कैचअप और इसके साथ नेशनल का बिरयानी मसाला फ्री था शुक्र है कि पाकिस्तान में भी कोई चीज़ फ्री मिली तो अच्छा लगा फ्री कोई चीज़ मिले तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा ना गाइस मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई चीज़ किसी के साथ मिले तो ये मैं लेस लेकर आई थी रेड वाले मसाले वाले और ये मैं लेकर आई थी लाइबोए का शैम्पू और बहुत अच्छा इसका मुझे रिज़ल्ट लगा मैं दोबारा लेकर आई हूँ इससे पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ अच्छा मैं ये लेकर आई थी दादी वाले पापड़ पैपसी स्नैक और ये आप शाम की चाय पे से बना सकते हैं जब भी आपका दिल चाह रहा है आप इसे बना सकते हैं और स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं तो ये मैं मेरे ख़्याल से तीन पैकेट लेकर आई थी और ये मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और पापड़ का स्टॉक तो मैं रखती ही रखती हूँ हर तरह के पापड़ दाल वाले चावल वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मैं साबुन लेकर आई थी लक्स चार पैकेट कंबाइंड इसके और ये पता नहीं मुझे कितने का पड़ा था कोई चार पाँच सौ का साढ़े चार सौ का कुछ इस तरह का था ये और ये मैंने ली थी इमली और बहुत अच्छी पैकिंग लगी मुझे इनकी और सारा इनका अपना सामान था अलजदीद का इन्होंने ख़ुद पैकिंग वैकिंग सब इनकी अपनी थी तो ये बहुत कन्वीनियन लगी मुझे आपको जितनी लेनी है एक किलो की डेढ़ किलो की या आधा किलो की आप पैकेट उठाएं और बस और यह मैं लेकर आई थी मसूर की दाल अच्छा दालों की क्वालिटी इनकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बहुत साफ सुथरी दालें किसी भी किस्म का कुछ भी इसके अंदर कोई कंकर भी नहीं था मामूली सा और बहुत अच्छा इन्होंने पैक भी किया हुआ था इनका सामान बहुत अच्छा है दालों में मैदा आप देख लें इमली आप देख लें जो ग्रॉसरी है इनकी मतलब बहुत अच्छी पैकिंग में इनकी ग्रॉसरी है और बहुत साफ सुथरी चीज़ें हैं तो ये क्वालिटी इनकी बहुत मुझे अच्छी लगी और मैं ये लेकर आई थी टैंक के साशे और ये साठ रुपये का एक पैकेट था और ये शायद मैंने तीन चार लिए लिए क्योंकि ये कन्वीनियन रहते हैं आप एक पैकेट लें तो वो सारा खुल जाता है और ये मैंने कनौर के क्यूब लिए थे सूप के यखनी के और वो मैं टैंक के बारे में बता रही थी आप ऐसे साशों में उसे ले लेना तो जब आपको जितना खोलना है उतना यूज़ करना है वो हो जाएगा दो तीन दिन के अंदर अगर आप बड़ा वाला पैकेट लेकर आएं तो वो सारा आप बॉटल में भी उसे डाल के रखें तो वो भी ख़राब हो जाता है तो ये साशे आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइस ये मैंने आपको एक टिप दे दी है तो जितने का आपको मतलब साठ रुपये वाला है ये आपके पास तीन से चार दिन चल जाएगा और बहुत कन्वीनियन रहता है ये मैं टिश्यू रोल लेकर आई थी और ये भी किचन में रोज़ाना यूजिंग में यूज़ होते ही रहते हैं तो इनको तो हमेशा ही लेना होता है अच्छा मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं लिया कि मेरे पास स्टॉक में ये पहले से शुरू रखे हुए थे मैं एक दफ़ा बड़ा वाला पैकेट ले लेती हूँ उसके बाद मैं कभी एक लेती हूँ दो लेती हूँ तो वह महीनों मेरे पास निकलते रहते हैं मुझे इनकी इतनी टेंशन नहीं होती और ये ग्रीन वाला लेस बहुत ज़्यादा मैं क्रेजी हुई मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे मुझे इसका इतना टेस्ट क्यों पसंद आ रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रही बात और ये मैंने ये भी स्नैक लिया था और ये फ्राई पापड़ हैं और बहुत टेस्टी मसाले वाले पापड़ हैं ये इनका अपना ही ब्रांड है तो मैंने कहा चलें पहली बार ट्राई करते हैं वरना हम तो घर में ही बनाना पसंद करते हैं बाहर से बने बनाए तो मुझे नहीं पता कि कैसे होते हैं मैंने पहली बार लिया है ये और मैं ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि वाकई से बाद में भी लेना चाहिए या नहीं इसका टेस्ट कैसा है और ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया था बस एक ही पैकेट लिया था टेस्ट करने के लिए और ये मैं आपको दिखा रही हूँ टैंग ये ऑरेंज है और वो वाला मेरे ख़्याल से मैंगो वाला फ्लेवर है उसका और ये अलग अलग शॉपरों में से निकल रहा है ज़ाहिर सी बात है जो जिस शॉपर में डाला होगा उसी से वो चीज़ें निकल रही हैं तो ये देख लें आप मैंने टैंग लिए थे और भी मज़ीद निकलेंगे इसमें टैंग ये साशे कन्वीनियन होते हैं और आप जब चाहें इन्हें यूज करें और ये मैं लेकर आई थी रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में वहाँ मिल गया और बिल्कुल फ़्रेश था तो मुझे अच्छा भी लगा जबकि मैं पहले भी लेकर आई थी और मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी मैंने एस्ट्रा में ये ले लिया है और ये मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर और ये भी रफान का है और ये भी मैंने एस्ट्रा में लिया है क्योंकि मैंने अभी ग्रॉसरी में घर की ग्रॉसरी में ये सब चीज़ें मंगवाई थी तो मैंने बस मुझे नज़र आई तो मैंने एस्ट्रा में अच्छा है ना कि आगे आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ रहे तो आपके महीने आराम से निकल जाते हैं और ये दो क्यूब और निकले हैं गाइस क्योंकि ये यखनी में यूज़ होते रहते हैं सूप में यूज़ होते रहते हैं तो आप अगर पुलाव बनाएं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और ये देखें ये एक और पैकेट निकला है टिशू रोल का और मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि हमें कुछ चीज़ें स्टॉक में भी पड़ी हुई होंगी और हम लोग उससे और भी मज़ीद खरीद लेते हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये मैंने दो वेम के पैकेट लिए थे और ये एक पैकेट डबल पैकेट है तो इसमें चार वेम होते हैं और महीने का स्टॉक ये आराम से महीनों महीनों चलता है और ये जेली ली थी मैंने एक रेड वाली और ये भी रफान की ली थी मैंने और एक येलो वाली तो हम बोल रही थी हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं भी ज़रूरत होना वो भी ले लेते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि महीनों ग्रॉसरी वो चीज़ें चलती रहती हैं और वो यूज़ में भी आती रहती हैं और ये मैं लेकर आई थी ख़ास अशरफ़ी और ये हर जगह से नहीं मिलती है और फ्रेश तो आप सोच ही नहीं सकते इतनी रखी हुई आप इसे देखें कितनी ये फ्रेश है मैं आपको क्या बताऊं बहुत ज़्यादा फ्रेश अशरफी मुझे लगी अलजद में और मैंने कहा चलें लेते हैं और ट्राई करते हैं अगर अच्छी लगी तो मैं इसके और कलर भी लेकर आऊंगी और ज़रदा तो घर में बनता ही रहता है और उसमें डालना भी लाजमी होता है ये मैंने ली थी सूजी सूजी का एक पैकेट और ये एक किलो सूजी का पैकेट है और अगर कभी सूजी का हलवा बनाना है या हलवा ही बनता है वैसे इसका ज़्यादातर तो तो हलवे के लिए ये यूज़ होती है हमारे घर में और, और महीने में कभी ना कभी दिल तो ज़रूर जाता है इस तरह की चीज़ें करने का ये देखें एक और पैकेट मैंने मैदे का लिया था ये दो एक किलो का मैदे का पैकेट है तो ये मैंने दो पैकेट लिए हैं और ये आराम से चलेंगे सुकून रहेगा इसका कुकिंग में मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ तो वो भी मैदा ऐड करती हूँ ब्रोस बहुत ज़्यादा घर के अंदर बनाती हूँ और मीठे में कभी टिकियाँ बनवाती बनाती हूँ मीठी तो उसके लिए भी मैदा चाहिए होता है सूजी चाहिए होती है तो इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है और अल जदीद की पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए भी मैंने ये थोड़ा स्टॉक में सामान लेके डाल दिया क्योंकि सूजी को आप ज़्यादा नहीं रख सकते एक से डेढ़ दो महीना आप रख सकते हैं इससे या मैदे को आप एक से डेढ़ दो महीना रख सकते हैं पैक है तो आप दो महीना भी इसे आराम से, से ट्राई कर सकते हैं रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है और ये मैंने ली थी बैक पार्लर की बैकरोनी इसके मैंने दो पैकेट उठाए हैं और ये तो महीनों महीनों भी रह जाए दो तीन चार महीने आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से और वैसे भी ये हर महीना ही बनती है तो वैसे ही इसका एक डेढ़ महीने के अंदर स्टॉक ख़त्म हो जाता है और मैं इसे हमेशा ही लेती रहती हूँ मुझे मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है और फैमिली में भी माशाल्लाह से सबको पसंद है तो गाइस ये मेरा स्टॉक है सारा जो मैंने लिया है अजदीज से और ये सारी चीज़ें सारी ग्रॉसरी हर महीने डेढ़ महीने के लिए आपको पता है कि आप इस तरह ग्रॉसरी कर लें तो सुकून हो जाता है और घर में तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है अब बार बार आपको जाना नहीं पड़ता आपको कन्वीनिएंट रहता है आप एक ही दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर लें और फिर महीना आपका आराम से महीना डेढ़ महीना आपका आराम से इन चीज़ों से आप फारिग हो जाते हैं कि ये चीज़ों का स्टॉक रहता है और आपको कि कोई भी एक चीज़ लेने भी बाहर नहीं जाना पड़ता है तो ये बहुत बेनिफिट है एक दिन आप निकलें और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें बाय कर लें इससे अच्छी क्या बात होगी ये है मेरा जदीद का ग्रॉसरी ब्लॉक आप सबकी फरमाइश पे क्योंकि आप लोग सब बोल रहे थे कि आपने ये शेयर नहीं किया कि आप अलजदीज़ से ले के क्या आई हैं तो मैंने ये सारा सामान लिया था और मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग में कि मैंने क्या क्या सामान अलजदीज़ से परचेज़ किया तो मैंने वॉशरूम के लिए भी कुछ स्टफ़ अलजद से परचेस किया है और वो मैं आने वाली वीडियोस में अपनी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मैं इसमें शेयर नहीं कर सकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने बस ये व्लॉग यहीं तक बनाया है आई होप आप सबको ये व्लाग बहुत पसंद आया होगा तो गाइज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको मेरी ग्रॉसरी कैसी लगी अल-जदीद की ग्रॉसरी आप लोगों ने इम्तियाज़ की ग्रॉसरी को तो बहुत पसंद किया अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल-जदीद की ग्रॉसरी तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें मुझे लाइक करें मुझे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें छुप छुप के मत देखें गाइज सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली बने ताकि मुझे भी पता होना कि मेरे फैमिली मेंबर में से कौन कौन लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें और मैं आपसे मिलूँगी कल आने वाले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़